सुपर संडे में दूसरा मैच, और ये जो मैच है चेन्नई और राजस्थान के बीच में होगा, ये होगा दूसरा मैच। अगेन बड़ी गेम, क्या कहते हैं मैन इन पिंक जो है कुछ कमाल कर पाएंगे इस गेम में? देखिए कमाल तो चेन्नई की टीम करेगी, वो 198 रन बनाकर हार गई थी राजस्थान की टीम, तो अगर उनके घर में जाके खेल रहे तो कमाल कुछ अच्छा ही करना पड़ेगा तभी उनको हरा सकते हैं, वरना मुश्किल रहेगा राजस्थान के लिए। और सीनियर जो किंग्स हैं वहाँ पर बहुत ही अच्छे फॉर्म में, महेंद्र सिंह धोनी टीम कमाल कर रही है। ये टीम जो है अगर कोई टीम कंसिस्टेंट है, जो करेक्ट फॉर्म में है, बैलेंस बढ़िया है, जो चैंपियनशिप जीतना जानती है, इंडिविजुअल प्लेयर्स हैं जो मैच जिता सकते हैं, तो वो ये येलो टीम है। से हेलो टू येलो होगा कल, और पिंक टीम को क्या करना होगा, जयपुर को क्या करना होगा इस टीम को मुकाबला देने के लिए? देखिए जो येलो टीम है और पिंक टीम में फ़र्क ये है कि येलो टीम खुद कभी गलती नहीं करती, और वो आपका इंतज़ार करती है कि आप वेट कोई गलती करें, आखिरी तक लेके जाती है। येलो टीम तभी हारती हो, आपने देखा अगर कोई बहुत ही आउटस्टैंडिंग नॉक खेल दे तभी वो टीम हारती है। अब चेज जब करवाते हैं येलो को तो आप जो मर्जी टोटल बना ले, उनकी बैटिंग ऐसी है वो 17वें-18वें ओवर तक जितना मर्जी एवरेज हो वो विकटें इतनी बचा के रखते हैं, तो उनको पहले बल्लेबाजी करवा दें तो फिर शायद आपका कहीं नंबर आ जाए कि आप चेज कर लें, आपका कोई एक बल्लेबाज जैसे आज पृथ्वी ने किया, पिछले दिन रसल ने किया, वैसी एक फिर एक इंडिविजुअल भी मार सकता है उनको। लेकिन मैंने नहीं देखा किसी टीम को कि वो चेज कर रहे हो और वो हबड़ा दबड़ी कर जाए और वो गलती कर जाए, तो वो गेम में 40 ओवर के गेम में आखिरी में 35 ओवर तक तो वो रहते ही रहते हैं। तो एक ही तरीका है कि उनको मारना है, तो जो मैं मानता हूँ, और जो इंडिविजुअल की बात करते हैं वो शायद संजू सैमसन हो सकते हैं, सेंचुरी मार चुके हैं हालांकि लूजिंग साइड पे थे, कितना मुश्किल होगा उनके लिए एक्सपीरियंस्ड बॉलिंग साइड के अगेंस्ट जाना संजू सैमसन के लिए? जी देखिए वो फॉर्म में है और उस फॉर्म का फ़ायदा उठाना चाहिए उन्हें, क्योंकि जो येलो टीम की गेंदबाजी है वो वीक है, उनकी बल्लेबाजी बहुत स्ट्रॉन्ग है, शायद एक ही गेंदबाज ब्रावो जो किसी भी जगह गेंदबाजी कर सकते हैं, लेकिन बाकी सब बॉलिंग इंडियन बॉलिंग है और उनके जो फास्ट बॉलर है वो सब 130 135 से कम वाले हैं, तो मुझे लगता है कि उनकी बॉलिंग हल्की है, तो एक और मौका है संजू सैमसन जैसे बल्लेबाज के लिए जो फॉर्म में है और रन बनाए।